BCN न्यूज, बात आपकी, खबर हमारी, खबर हमारी। साहिल हेल्थ क्लब के बैनर तले जैन बगीची नयावास पर ओपन बेंच प्रेस कंपटीशन का आयोजन हुआ, जिसमें रामनगर कॉलोनी स्थित 25 वर्ष पुरानी ग्रोवर जिम में बेंच प्रेस का अभ्यास कर रहे पहलवानों ने बाजी मारी। इसमें मलखान सिंह ने 130 किलोग्राम बेंच प्रेस पर वजन उठाया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। वसीम ने 140 किलो तक, रिभुवन ने 120 किलो, राजा जाट ने 160 किलो, अक्रम ने 110 किलो, दीपक व नन्हे ने 100 किलोग्राम वजन उठाकर अपने अपने वेट कैटेगरी में अव्वल स्थान प्राप्त किया। इस मौके पर ग्रोवर जिम के डायरेक्टर देवेश ग्रोवर ने सभी को शुभकामनाएं दी। क्या करते हैं आप? ग्रोवर जिम में ट्रेनर हूं। कल जो प्रतियोगिता हुई उसमें बच्चे जीते हैं, कहां पर प्रतियोगिता हुई उसकी जानकारी दीजिए। नयावास जैन बगीची। आपके कितने बच्चे ट्रेन जो आपने ट्रेन किए हैं वो गए थे वहां पर? सात। सात में से तो कौन कौन जीते हैं प्रतियोगिता? वसीम, मलखान, वसीम मलखान और दीपक महार, पुत्र भवन और राजा जाट। क्या भुवन राजपूत? कब से इस जिम में, इसमें किस जिम में इसमें एक्सरसाइज कर रहे हैं आप? मैं ग्रोवर जिम में लगभग 2 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ। आपके कोच कौन है? हमारे कोच विष्णु सारस्वत हैं। कल जो प्रतियोगिता हुई उसमें आपने कौन सा प्राइज जीता है? कल जो प्रतियोगिता हुई उसमें अपनी वजन वाली कैटेगरी में मैंने सेकंड प्राइज जीता है, और जो हमारे साथी लोग हैं वो अपने अपनी वजन की कैटेगरी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सभी तरीके के आए हैं। टोटल जो है लगभग हम 7 लोग गए थे और 7 ही कोई ना कोई पुरस्कार जीत कर लेके आए हैं। क्या करते हैं आप? मैं वैसे तो अपना अलग अलग काम है सब किसी के, पर 5 साल से ग्रोवर जिम में एक्सरसाइज कर रहा हूँ। कौन है आपके कोच? विष्णु पहलवान। तो आप जो कंपटीशन हुआ कल उसमें क्या जीत के लाए हैं आप प्राइज? मैंने 5 प्राइज जीता है। कितने वजन में? 80 से 85 किलो के वेट में मुझे एक ट्रॉफी, 500 रुपए की माला और एक मेडल मिला है। कितना वेट मारा था आपने? मैंने 300 मैंने मारा 130 kg। GSS Kids English Medium School, near Charmit Gate, Old Durga Mandir, Jalesa Road, Hathras. We are faculties, competent and trained teachers, personality development, yoga classes, splash pool, sand play, art and craft workout, music and dance room, transport facilities, and modern infrastructure, modern architecture, air-conditioned classroom, RO water, hygienic sanitation, CCTV surveillance, play zone for pre and primary section, modern teaching aids, video theater education.